हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, परेशान ऋतुराज ने सिखाया हिमेश रेशमिया को सबसे बड़ा सबक। निकले हिमेश के आंसू, क्या हुआ है चलिए आपको बताएंगे टेली टॉकीज की इस रिपोर्ट में। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, हिमेश रेशमिया के साथ अक्सर शैतानी करते हैं ऋतुराज, और इस बार तो ऋतुराज ने हद ही कर दी। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि किस तरह से हिमेश की टायर को पंचर किया था ऋतुराज ने, और उसके बाद हिमेश ने ऋतु को डांट भी लगाई थी। लेकिन अब सारी की सारी हदें पार करते जा रहे हैं ऋतुराज। जी हाँ, हम आपको बता दें कि मोस्टली शूट के लिए लेट पहुंचते हैं हिमेश रेशमिया, और इस हरकत से परेशान हो गए हैं ऋतु। तभी तो जैसे ही आए हिमेश रेशमिया, उनके लिए जो टीम के लोग हैं वो लेकर जाते हैं एक वेलकम ड्रिंक, और ये ड्रिंक कोई ऐसा वैसा ड्रिंक नहीं है। हिमेश रेशमिया ने काफी ज्यादा वेट लूज करा है, ये तो आप सभी जानते हैं, और उनके वेट लूज का राज है उनकी ब्लैक कॉफी। हिमेश रेशमिया जमकर ब्लैक कॉफी पीते हैं। जैसे ही वो सेट्स पर आते हैं वैसे ही उनके वेलकम ड्रिंक के तौर पर उनकी ब्लैक कॉफी उनके पास पहुंचा दी जाती है। लेकिन इस बार इस नन्हे ऋतुराज ने तो कमाल ही कर दिया। जी हाँ, इस ऋतुराज ने हिमेश रेशमिया की ब्लैक कॉफी को उलझजुल बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे भला उलझजुल कैसे बनाया, तो हम आपको बता दें कि हिमेश रेशमिया की कॉफी में इस ऋतुराज ने लाल मिर्ची का पाउडर मिला दिया और उसको अच्छे से मिलाकर पहुंचवा दिया हिमेश रेशमिया के रूम तक। हिमेश को नहीं पता था कि कॉफी के अंदर लाल मिर्च का पाउडर है। हिमेश ने जैसे ही पहला घूंट लिया, हिमेश की तो जुबान ही जल गई, आंखें लाल हो गईं और आंसू निकलने लगे। और ऐसे में हिमेश के कमरे के बाहर खड़े ऋतुराज जोर जोर से हंसने लगे। जिसके बाद खबरों की माने तो हिमेश ऋतु को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे जरूर, लेकिन भाई इस नन्हे शैतान को पकड़ पाना आसान कहाँ है। आप क्या कहेंगे ऋतुराज की इस हरकत पे? लगता है ये सारे के सारे बच्चे मिलकर इन जजेस की तो नाक में दम कर देंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।